लर्निंग क्लासेस के अंदर फिर से खुशामदीद। मैं हूं साजिद मेहरान। आज हम मैथमेटिक्स के रोमन नंबर्स की बात करेंगे। अल्लाह पाक मुझे समझाने की और आप तमाम तुलबा को प्यारे प्यारे बच्चों को समझने की तौफीक अता फरमाए। चलिए शुरू करते हैं कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है। अक्सर आपने वन क्लास देखे होंगे कि उसके अंदर डिजिट्स होते हैं 1 to 12, यानी वो नेचुरल भी होते हैं और रोमन भी होते हैं। रोमन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होते हैं, मतलब कि A to Z, इनमें चंद एक ऐसे होते हैं जिनका वो इस्तेमाल किया जाता है रोमन के अंदर। अब वो उनके मीनिंग क्या होते हैं, वो किस तरह लिखी जाती है रोमन नंबर्स, आइए हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की और आप भी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। प्यारे प्यारे तुलबा, हम नेचुरल नंबर जब लिखते हैं अब उसके अंदर हम याद करते हैं, लिखते हैं कि 1, ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10, ओके। अब उसके बाद इसी तरह हम रोमन के अंदर कैसे लिखेंगे, वन, अब इसके अंदर आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं और आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं। 1 यानी I, ठीक है, 2 double I और कैपिटल भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और आप स्मॉल भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर 3, अब रोमन के अंदर एक बात को आपने ख्याल जहन में बिठा लेना है कि कोई भी लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का या रोमन का कोई भी ऐसा डिजिट वो सिर्फ 3 times रिपीट हो सकता है, इसके ज्यादा इसके अलावा वो रिपीट नहीं हो सकता। इसी तरह अब हमने आई की बात की है, आई यानी कि 1 double I 2 triple I 3, अब इसके बाद ये आई दोबारा रिपीट नहीं हो सकता इसी कंडीशन के अंदर। आई वी ये हो जाएगा 4। चले मैं यहां पर भी लिखूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब वी 5, Eight, 9, finally 10. ठीक है जी, अब हमने ये फर्स्ट 10 डिजिट्स यहां पर लिख दिए हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब बात करते हैं कि ये x किसके बराबर हुआ, x बराबर 10 के हो गया। अब यहां पर देखें कि अब सवाल आपके दिमाग में यहां ये पैदा हो रहा होगा कि सर आपने बताया कि कोई भी जो लेटर है वो 3 times रिपीट हो सकता है, लेकिन यहां पर आई की कैसे,
कैसे आ गया? मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी एक लेटर आप जब यहां लिखेंगे तो यहां पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पर अब मैं यहां पर V लिखता हूं और V बराबर किसके होता है? 5 के, ठीक है। अब मैं अगर 6 उसे बनाना चाहता हूं तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा 1, तो फाइनली मैं इसके अंदर यहां पर I लिखूंगा। अब मैं एक और ऐड करना चाहता हूं, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, तो मैंने यहां पर एक और I लिख दिया। उसके बाद मैंने एक और I यहां पर लिख दिया, तो यहां पर ये हो गए 8, ठीक है जी। अब मैं इसके अलावा इसके आगे कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि V है ना, V के बाद 3 times के बाद 4th times पर I repeat नहीं होगा और यहां लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक टाइम में एक डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। अगर मैं 4 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, देखिए ये 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, यहां पर 5, 6, 7, 8, ये किसके बराबर हो गया? 8 के। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये V के दो पॉइंट्स हैं, एक राइट हैंड साइड और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। जब कोई भी लेटर हम राइट हैंड साइड लिखते हैं तो वो उसमें जाकर ऐड होगा, जब कोई भी लेटर जो है या कोई भी डिजिट हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे तो वो उसमें जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, मिसाल में 4 बनाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव है यानी प्लस है, ऐड है और ये सबट्रैक्ट है, माइनस है, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर यहां इस राइट हैंड साइड पर अगर मैं कुछ भी लेटर लिखता हूं तो वो वहां पर ऐड हो जाएगा, यानी वो उसमें जमा हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं यहां से माइनस करता हूं, अगर मैं इसको कम करना चाहता हूं, यहां पर बढ़ना यानी पॉजिटिव साइड इंक्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और नेगेटिव साइड जो है वो डिक्रीजिंग पॉइंट होता है। तो मैंने यहां पर आई लिख दिया, ठीक है जी। अब आप यहां पर देखें कि V किसके बराबर है? हमारा V बराबर है 5 के, ओके जी, बात समझ आ गई आपको, V बराबर 5 के। लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है हमारा? I, I किसके बराबर है? I बराबर है 1 के, यानी -1, बिकॉज क्योंकि 5 V बराबर होता है 5 के और I बराबर है 1 के, ठीक है। अब मैं 5 में से 1 निकालता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 4, ठीक है जी। अब मैंने I भी लिखा, I भी बराबर हो गया किसके? 4 के। अगर मैं 6 क्रिएट कर, मतलब मैं 6 लिखना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा? इसी तरह V, क्योंकि अब तो मैंने नेगेटिव पॉइंट पर लिखा था, अगर मैं 6 करना चाहूंगा, 6 बनाना चाहता हूं तो मैंने इसके राइट हैंड साइड पर I एड कर देना है, यानी 5 और क्योंकि राइट साइड पर है ये, इसलिए एडिशन हो जाएगा 5 + 1 = 6। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर इसी तरह, देखिए ये 9 है, अब 9 को 10 बराबर होता है x के। अब x के अंदर हमने ऐसा कौन सा डिजिट निकालना है कि वो 10 हो जाए? 9 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो वो 10 हो जाता है, 9 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो 8 हो जाता है, अगर हम 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यानी x बराबर किसके हो गया? 10 के, ठीक है। अब इस x में से हम ऐसा